गरुड़ एक मुश्तरका तौर पर वेटरी मारन की ग्रॉस रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लार्क स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सोरी एम शशि कुमार और निम्मा कंदा मरकजी किरदारों में हैं। रोशिनी हरि प्रज्ञान, रीति शर्मा, शिवा दास, समोथ हिरकानी, राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सो किकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। अग्रोदन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई, सैंथल कुमार का स्क्रीन प्ले बजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप ए राघव म्यूजिक अजयवन शंकर राजा पैदावार कंपनियां ग्रास टूट फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज। तारीख रिहाई 31 मई 2024। वक्त चल रहा है 135 मिनट। मुल्क हिंदुस्तानी जुबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी योमन शंकर राजा ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने की है और प्रदीप ए राघव ने एडिट की है। गुरुदन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटर में नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए रिलीज किया गया था, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खास तौर पर सूरी शशि कुमार और निम्मा कंदन यौवन के बैकग्राउंड स्कोर सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे, एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूरी बतौर सोकन, एम शशि कुमार बतौर आदि, अनि मकंद बतौर करुणा, रोवती शर्मा, शिवा दा, रोशिनी हरिप्रियान, सीमा थिरकानी, मायम गोपी, आर वी ए, अदय कुमार, वादी करासी, दशायांत, ये प्रकाश राजन, बरीगिदा सागा प्रोडक्शन। आईडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सूरी, जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मरकजी किरदार अदा किया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है, जहां वह मरकजी अदा किरदार अदा करेंगे। जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराई सैंथिल कुमार करेंगे। वत्थी मारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सोरी की जान से बदोथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म में शुरू होना था 11 सितंबर को। प्रोजेक्ट का बाद हफ्ता ऐलान वेटरी मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कंबा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का इनका किया गया। कास्ट प्रेम शशि कुमार ने मकंदर, रवती शर्मा, शिवादा, रोशिनी बरियान और दिगर मामन किरदारों में शामिल है, जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यौवन शंकर राजा, एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और जनवरी 2024 के अवार्ड में लपेट दी गई। सरकारी टाइटल गुरुदन का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौवन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सोरी लैड रोल में और सैंथल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलिए 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्पिटो बिचा सिन्हान अंथोनी दासन। रिलीज एडिट ग्रोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालिया तनकीदी जवाब ग्रोदन को नाकदीन के मुस्बत जायजे मिले, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार मणिकंदन यौवन शंकर पस मंजर का स्कोर और सैंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल की दर्जाबंदी की और नोट किया कि ग्रोडन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और टीटी प्ले के लिखते हुए अनुशे सुंदर ने सोरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया, ये नोट करते हुए कि ग्रोदन एक ठोस फिल्म है जो बदोथलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है।
अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आ गए। दुराई संदर कुमार ने इसके अच्छे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवास ने तबसरा किया सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट वन में किया गया। इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज भी नहीं बोलता, तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपने बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटस क्रूजन का मतलब बरहमनी पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मान के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले क्रूजन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्रूजन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस रही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बस किया गया। ग्रोथन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बस किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के एक तारीख एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और खूबी खूनी असरात होते हैं। सूरी इंदुराई सेंथिल कुमार की अग्नि बैटरी मारने की तैयारी करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लाम नए भी हदायतकार दुराई सेंथिल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूरी टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी शशि कुमार और निमा कंदन का गिरोधन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सॉरी की दोहराई सेंथिल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल ग्रोडन टाइटल की झलक टाइम जब 19 जनवरी 2024 को 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। गुरुधन सोशल मीडिया का ज्यादा सूरी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामीन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम अभिनव 30 मई 2024 गुरुधन मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी रिव्यू एक लाजवाब सूरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। OTP प्ले 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी का जायजा एक लाजवाब सूरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधड़ी पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को हासिल किया गया। ग्रोधन मूवी रिव्यू भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश जाना जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गरुदन एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रास रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सॉरी एम शशि कुमार और निमकंदन मरकजी किरदारों में हैं। रोशिनी हरि प्रज्ञान रीति शर्मा शिवादा समो तिरकानी राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। ग्रोधन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई सेंथिल कुमार का स्क्रीन प्ले बजरिया
आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी, एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी, आर एस वल्सन ने एडिट किया, प्रदीप है राघव म्यूजिक, अजयमन शंकर राजा, पैदावार कंपनियां ग्रास टूट फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज, तारीख रिहाई 31 मई 2024, वक्त चल रहा है 135 मिनट, मुल्क हिंदुस्तानी जबान तामिल, फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था, और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई, अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी योमन शंकर राजा ने तरतीब दी है, सिनेमाटोग्राफी आरती वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गुरुदन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटर में नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए रिलीज किया गया था, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार और निमकंदन योमन के बैकग्राउंड स्कोर सेंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे, एक दूसरे का दिफा करते थे, सोकन इनका भरोसामंद था, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूरी बतौर सोकन, एम शशि कुमार बतौर आदि, अनिल मकंद बतौर करुणा, रोवती शर्मा शिवादा रविशिनी, हरिप्रियान सिमर थिरकानी, मायम गोपी आर वी ए, अदय कुमार वादियव करासी दशायांत, ये प्रकाश राजन बरीगिदा सागा। प्रोडक्शन आईडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सूरी, जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मान मरकजी किरदार अदा किया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है, जहां वह मरकजी किरदार अदा करेंगे, जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराय सेंथिल कुमार करेंगे। वत्थी थिमारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे, मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सूरी की जानब से बदोथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म शुरू होना था 11 सितंबर को। प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता ऐलान वेट्री मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कंबा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का इनका किया गया। कास्ट एम शशि कुमार ने मकंदन, रवती शर्मा शिवादा रोशिनी बरियान और दीगर मामून किरदारों में शामिल है, जबकि अमले में म्यूजिक कंपोजर यौन शंकर राजा, एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई, जनवरी 2024 के अवार्ड में भेज दी गई। सरकारी टाइटल गुरुदन का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौवन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सूरी लैड रोल में और सेंथिल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलिए 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्पिटो बिचा सिन्हान अंथोनी दासन। रिलीज एडिट ग्रोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालियत इनकी जवाब ग्रोदन को नाकदीन के मुस्बत जायजे मिले, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार में निकंदन यौवन शंकर पस मंजर का स्कोर और सेंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 स्टार की दर्जाबंदी की और नोट किया कि ग्रोडन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और टीटी प्ले के लिखते हुए अनुशे सुंदर ने सूरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया, ये नोट करते हुए कि ग्रोदन एक ठोस फिल्म है जो बदोथलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आगे दोराय सेंथिल कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवासन ने तबसरा किया। सूरी जैसे कि बदोथलाई पार्ट वन में किया गया, जिस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपने बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटस गुर्जन का मतलब बरहम नहीं, पतंग और रुकाश दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मानने के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले गुरुदन के एक्शन सीक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया
31 मई 2024 को शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्लोजर मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस लही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को बजात किया गया। ग्रोथन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को बजात किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के एक तारीख एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और हुबी खूनी असरात होते हैं। सूर्य इंदुराई सेंथिल कुमार की अग्नि बैटरी मारने की तैयारी करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लाम नायब हदायतकार दुरानी सेंथिल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूर्य टाइम्स ऑफ इंडिया 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी शशि कुमार और निमा कंदन का गिरोधन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरकारी शुदा 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सॉरी की दोराई सेंथिल कुमार के साथ टाइम्स और फिल्म का टाइटल ग्रोडन टाइटल की झलक टाइम्स ऑफ इंडिया 19 जनवरी 2024 को सरकारी शुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 16 फरवरी 2024 को सरकारी शुदा 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकारी शुदा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। गुरुधन सोशल मीडिया का ज्यादा सूर्य ने इस दिलकश ड्रामे में से सामीन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम अभिनम 30 मई 2024 गुरुधन मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी रिव्यू एक लाजवाब दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। ओटीपी प्ले 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी का जायजा एक लाजवाब सॉरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधड़ी पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन मूवी रिव्यू भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश ड्रामा जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रास रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सॉरी एम शशि कुमार और निमकंद मरकजी किरदारों में है। रोशिनी हरि प्रज्ञान रीति शर्मा शिवादा समोतिरकानी राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। ग्रोधन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई सेंथिल कुमार का स्क्रीन प्ले वजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप ए राघव म्यूजिक अजयमन शंकर राजा पैदावार कंपनियां ग्रास टूट फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज तारीख रिहाई 31 मई 2024 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूर्य के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी
योमन शंकर राजा ने तरतीब दी है, सिनेमाटोग्राफी आर अथे वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गुरुदन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए रिलीज किया गया था, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खास तौर पर सूरी शशि कुमार और निमकंद योमन के बैकग्राउंड स्कोर सेंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे, एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूरी बतौरे सोकन, एम शशि कुमार बतौरे आदि, उन्हें मकंद बतौरे करोना, रोवती शर्मा शिवादा रविशिनी, हरिप्रियान सिमर थिरकानी, मायम गोपी आर वी ए, अदय कुमार वादियव करासी दशायांत, ये प्रकाश राजन बरीगिदा सागा प्रोडक्शन। एडी मार्च 2023 में बटरफ्लाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सूरी, जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मान मरकजी किरदार अदा किया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है, जहां वह मरकजी किरदार अदा करेंगे, जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराई सेंथिल कुमार करेंगे। वत्थी मारन जो बटरफ्लाई के डायरेक्टर थे, मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सोरी की जान से बटरफ्लाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म शुरू होना था 11 सितंबर को। प्रोजेक्ट का बाद अब ऐलान वेट्री मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कम्बा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का इनका किया गया। कास्ट एम शशि कुमार ने मकंदर रवती शर्मा शिवादा रोशिनी बरियान और दीगर मामून किरदारों में शामिल है, जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यौन शंकर राजा, एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए प्रिंस में फोटोग्राफ। सितंबर 2023 में शुरू हुई, जनवरी 2024 के अवार्ड में भेंट दिए सरकारी टाइटल प्रोग्राम का ऐलान। 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौवन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सोरी लैड रोल में और सेंथिल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलीजे 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्बिडो विजा सिन्हान एंथोनी दासन। रिलीज एडिट गुरोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालियत इनकी जवाब गुरोदन को नाकदीन के मुस्बत जायजे मिले, जिन्होंने मरकजी कार्ड की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार में निकंदन यौवन शंकर पस मंजर का स्कोर और सेंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल की दर्जाबंदी की और नोट किया कि गुरोदन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और चिट्ठी प्ले के लिखते हुए अनुष सुंदर ने सोरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया, ये नोट करते हुए कि गुरोदन एक ठोस फिल्म है जो बटरफ्लाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बादल आ गए। दुराई सेंथिल कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवासन ने तबसरा किया। सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट वन में किया गया, इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपने बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटिस गुरुदन का मतलब बरहम नहीं, पतंग और रुकाश दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मानने के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले गुरुदन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गुरुदन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस लही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजात किया गया। गुरुदन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजात किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के 1 तारीख के एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो
दो ताहिया दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और हॉबी खूनी असरात होते हैं। सूर्य इंदुराई सेंथिल कुमार की अग्नि बैटरी मारने की तैयारी करते टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लाम ने भी हदायतकार दुरानी दुराई सेंथिल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूर्य टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी शशि कुमार और निमा कंदन का गिरोधन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सचिहार का 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सॉरी की दुराई सेंथिल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल गोल्डन टाइटल की झलक टाइम 19 जनवरी 2024 को सचिहार का 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 16 फरवरी 2024 को सरकार का आयुषा 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकार का आयुषा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। गुरुधन सोशल मीडिया का ज्यादा सूरी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामीन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम बब्बी ने 30 मई 2024 गुरुधर मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनहूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्रोजन मूवी रिव्यू एक लाजवाब दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। ओ टी पी प्ले 31 मई 2024 को सरकारी 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्रोजन मूवी का जायजा एक लाजवाल सॉरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधही पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को सरचार का 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन मूवी रेवी भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश जाना जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को सरचार का 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रास रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सॉरी एम शशि कुमार और निमकंद मरकजी किरदारों में हैं। रोशिनी हरि प्रज्ञान रवीति शर्मा शिवा दास समोतिरकानी राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करोना के काबिल भरोसा हैं जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। ग्रोधन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई सेंथिल कुमार का स्क्रीन प्ले वजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप ए राघव म्यूजिक अजयमन शंकर राजा पैदावार कंपनियां ग्रास टूट फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज तारीख रिहाई 31 मई 2024 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी योमन शंकर राजा ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी आरत वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गुरुधन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए रिलीज किया गया था जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूर्य शशि कुमार और निमकंद योमन के बैकग्राउंड स्कोर सेंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसा मंद था जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है।
कास्ट आईडी सूरी बतौर सोकर एम शशि कुमार बतौर आदि मकंद बतौर करुणा रोवती शर्मा शिवा द रविशिनी हरिप्रियान सीमा थिरकानी मायम गोपी आर वी ए अदय कुमार वादी अवकराशी दशायांत ये प्रकाश राजन बरीगिदा सागा प्रोडक्शन आईडी मार्च 2023 में वजह फ्लाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सोडी जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मान मरकजी किरदार अदा किया एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है जहां वह मरकजी किरदार अदा करेंगे जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराई चंदन कुमार करेंगे वत्थी मारन जो वजह फ्लाई के डायरेक्टर थे मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे सोरी की जान से वजह थलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म शुरू होना था 11 सितंबर को प्रोजेक्ट का बाद बाजाबा ऐलान वेट्री मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कंबा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का इनका किया गया। कास्ट प्रेम शशि कुमार ने मकंदन रवती शर्मा शिवादा रोशिनी बरियान और दीगर मामन किरदारों में शामिल है जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यौन शंकर राजा एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए प्रिंस में फोटोग्राफ सितंबर 2023 में शुरू हुई जनवरी 2024 के अवार्ड में लपेट दिए सरकारी टाइटल गुरुरंग का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सोरी लैड रोल में और सैंथल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलिए 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स गुलकार की लंबाई कॉम्बिडो बिचा सिन्हान अंथोनी दासन रिलीज एडिट ग्रोजन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालियत नकदी जवाब ग्रोजन को नागदी के मुस्बे जायजे मिले जिन्होंने मरकजी कार्ज की कारकर्दगी खासतौर पर सोरी शशि कुमार में निकंदन यौवन शंकर बस मंजर का स्कोर और चंद्र कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल के दर्जाबंदी की और नोट किया कि ग्रोडन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और टीटी प्ले के लिखते हुए अनव शेषंदर ने सोरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया ये नोट करते हुए कि ग्रोजन एक ठोस फिल्म है जो थलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आ गए। दुराई चंद्र कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवासन ने तबसरा किया। सूरी जैसे कि वजह फ्लाई पार्ट वन में किया गया था इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज भी नहीं बोलता तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपनी बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटिस क्रोजन का मतलब बरहम नहीं पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मान के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले क्रोजन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्रोजन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस रही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को बजात किया गया। ग्रोदन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को बजात किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के 1 तारीख के एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और हॉबी खूनी असरात होते हैं। सोरी इंदुराई सैंथल कुमार की अग्री बैटरी मारन की तैयारी करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को सरकार 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लामिक नायबी हदायतकार दुराई सैंथल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सोरी टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सोरी शशि कुमार अनी मकंदन का ग्रोदन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरकारीशुदा 10 मई 2024 को
हासिल किया गया। शौर्य की दोहराई सेंथिल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल गोल्डन टाइटल की जय प्राइम जमी 19 जनवरी 2024 19 जनवरी 2024 को सरकारी सूत्र 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। शौर्य के लिए ग्रोडन का पहला सिंगल पंजा वरना के लिए आउट हो गया। फिल्म एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 16 फरवरी 2024 को सरकारी सूत्र 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। शौर्य का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकार 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। गुरुधन सोशल मीडिया का ज्यादा सूर्य ने इस दिलकश ड्रामे में से सामने को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकार 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम अभिनम 30 मई 2024 गुरुधन मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुष्या 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी रिव्यू एक लाजवाब सूरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। ओ टी पी प्ले 31 मई 2024 को सरकारी 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी का जायजा एक लाजवाब सूरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधही पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गुरुधन मूवी रिव्यू भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश ड्रामा जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गुरुधन एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रॉस रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में शौर्य एम शशि कुमार और निमकंदन मरकज किरदारों में हैं। रोशिनी हरि प्रज्ञान रीति शर्मा शिवादा समो तिरकानी राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करोना के काबिले भरोसा हैं जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। ग्रोधन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई सेंथिल कुमार का स्क्रीन प्ले वजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप ए राघव म्यूजिक अस यवन शंकर राजा पैदावार कंपनियां ग्रास टूट फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज तारीख रिहाई 31 मई 2024 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूर्य के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी यमन शंकर राजा ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी आरती वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गुरुधन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुसब जायजों के लिए रिलीज किया गया था जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खास तौर पर शौर्य शशि कुमार और निमकंदन यौवन के बैकग्राउंड स्कोर सेंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट शौर्य बतौर सोकन एम शशि कुमार बतौर आदि और निमकंदन बतौर करुणा रोवती शर्मा शिवादा रोशिनी हरिप्रियान सिमो थिरकानी मायम गोपी आर वी ए अदय कुमार वादी करासी दशायांत ये प्रकाश राजेंद्रन बरिगिदा सागा प्रोडक्शन आईडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद शौर्य जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मान मरकजी किरदार अदा किया एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है जहां वह मरकजी किरदार अदा करेंगे जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराई सेंथिल कुमार करेंगे। वथिज मारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे
सॉरी की जान से वजह थलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म शुरू होना था 11 सितंबर को। प्रोजेक्ट का बाजाबता ऐलान वेट्री मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कंबा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का इनका किया गया। कास्ट प्रेम शशि कुमार ने मकंदर रवती शर्मा शिवादा रोशिनी बरियान और दीगर मामून किरदारों में शामिल है। जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यौन शंकर राजा एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आरत एवरेज में फोटोग्राफ सितंबर 2023 में शुरू हुई। जनवरी 2024 के अवार्ड में वृद्धि के सरकारी टाइटल ग्रुडम का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सोरी लैड रोल में और सैंथल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलीजे 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्पिटो बिचा सिन्हान अंथोनी दासन रिलीज एडिट ग्रोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालिया तनकीदी जवाब ग्रोदन को नागदीन के मुस्बत जायजे मिले जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर शशि कुमार मणिकंदन यौवन शंकर बस मंदिर का स्कोर और सैंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल का दर्जाबंदी की और नोट किया कि ग्रोदन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और टीटी प्ले के लिखते हुए अनुष्य सुंदर ने सोरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया ये नोट करते हुए कि ग्रोदन एक ठोस फिल्म है जो थलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सोरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कुताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आ गए। दुराई संजय कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवास ने तबसरा किया। सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट 1 में किया गया था इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज भी नहीं बोलता तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपनी बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटिस क्रूजन का मतलब बरहमनी पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मान के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले क्रूजन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्रूजन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस रही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बस किया गया। ग्रोदन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजयाफ्त किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के 1 तारीख एक्शन थ्रिलर में एक बदनवान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और खूबी खूनी असरात होते हैं। सूर्य इंदुराई सैंथिल कुमार की अग्री बैटरी मारन की तैयारी करते। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लाम गायब भी अदायदकार दुराई सैंथिल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूर्य टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सोरी शशि कुमार अनिमा कंदन का ग्रोदन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरकारी 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सोरी की दोराई सैंथिल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल ग्रोदन टाइटल की जगह टाइम जम गया 19 जनवरी 2024 को सरकारी 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगल पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 को सरकारी शुदा 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकारी शुदा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया।
गुरुदान सोशल मीडिया का ज्यादा सुनी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामिन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम बब्बी ने 30 मई 2024 गुरुदान मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 गुरुदान मूवी रिव्यू एक लाजवाब सुरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। ओ टी पी प्ले 31 मई 2024 को सरकारी 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 गुरुदान मूवी का जायजा एक लाजवाब सॉरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधही पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को सरकारी 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गुरुदान मूवी रिव्यू भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश ड्रामा जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को सरकारी 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गुरुदान एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रॉस रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाक्रक स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सोरी एम शशि कुमार और निमकंदन मरकजी किरदारों में हैं। रोशिनी हरि प्रज्ञान रीति शर्मा शिवा दास समो तिरकानी राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। गुरुदान थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई सैंथल कुमार का स्क्रीन प्ले वजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप ए राघव म्यूजिक अजयवन शंकर राजा पैदावार कंपनियां ग्रास टूट फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज तारीख रिहाई 31 मई 2024 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी यमन शंकर राजा ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी आरती वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गुरुदान को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए रिलीज किया गया था जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार और निमकंदन यौवन के बैकग्राउंड स्कोर सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूरी बतौरे सोकन एम शशि कुमार बतौरे आदि अनि मकंदन बतौरे करुणा रोवती शर्मा शिवादा रोशिनी हरिप्रियान सिमो थिरकानी मायम गोपी आर वी ए अदय कुमार वादी करासी दशायांत ये प्रकाश राजन बरीगिदा सागा प्रोडक्शन आईडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सूरी जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मरकजी किरदार अदा किया एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है जहां वह मरकजी किरदार अदा करेंगे जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराय सेंथिल कुमार करेंगे। वत्थी मारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सोरी की जान से बदोथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म में शुरू होना था 11 सितंबर को प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता ऐलान बैटरी मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कंबा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का इनका किया गया। कास्ट एम शशि कुमार ने मकंदन रवती शर्मा शिवादा रोशिनी बरियान और दीगर मामन किरदारों में शामिल है जबकि अमले में म्यूजिक कंपोजर यौवन शंकर राजा एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए प्रिंसिपल फोटोग्राफर सितंबर 2023 में शुरू हुई जनवरी 2024 के अवार्ड में लपेट दी गई। सरकारी टाइटल गुरुदान का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट
मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौवन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सूरी लैड रोल में और सैंथल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलीजे 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्पिटो बिचा सिन्हान अंथोनी दासन रिलीज एडिट ग्रोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालिया दिन गति जवाब ग्रोदन को नागदीन के मुस्बत जायजे मिले जिन्होंने मरकजी काज की कारकर्दगी खासतौर पर शोरी सूर्य कुमार मणिकंदन यौवन शंकर बस मंदिर का स्कोर और सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 स्टार का दर्जा बंद की और नोट किया कि ग्रोदन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और टीटी प्ले के लिखते हुए अनुव शेषंदर ने सोरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया ये नोट करते हुए कि ग्रोदन एक ठोस फिल्म है जो थलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आगे दुराई सैंथल कुमार ने इसके चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवास ने तबसरा किया सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट 1 में किया गया था। इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज भी नहीं बोलता तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपने बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटस क्रोजन का मतलब बरहम नहीं पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मान के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले क्रोजन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्रोजन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस रही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजात किया गया। ग्रोदन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजात किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के एक तारीख एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहिया दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और खूबी खूनी असरात होते हैं। सूरी इंदुराई सैंथल कुमार की अगली बैटरी मारने की तैयारी करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लाम नायब हदायतकार दुराई सैंथल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूरी टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी शशि कुमार और निमकंदन का ग्रोदन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरकारी शुदा 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सॉरी की दोराई सैंथल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल ग्रोडन टाइटल की झलक टाइम्स ऑफ इंडिया 19 जनवरी 2024 को सरकारी शुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 16 फरवरी 2024 को सरकारी शुदा 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकारी शुदा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। ग्रोडन सोशल मीडिया का ज्यादा सॉरी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामीन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिप्रा मीनम अभिनम 30 मई 2024 गुरुधर मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्रोडन मूवी रिव्यू एक लाजवाब सूरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। और टीपी प्ले 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्रोडन मूवी का जायजा
एक लाजवाब छोरी इस कहानी की दोस्ती, वफादारी और धोखाधड़ी पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को असल से अरकाई शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन मूवी देवी भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश रानी जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को असल से अरकाई शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गरुदन एक मुश्तरका तौर पर वेटरी मारन की ग्रास रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाक्रक स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सोरी एम शशि कुमार और निमकंदन मरकजी किरदारों में हैं। रोशिनी हरी प्रज्ञान, रीति शर्मा, शिवादा समोतिरकानी, राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। गिरोधन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई, सैंथल कुमार का स्क्रीन प्ले बजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप ए राघव म्यूजिक अजयमन शंकर राजा पैदावार कंपनियां ग्रास टूट फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज तारीख रिहाई 31 मई 2024 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी योमन शंकर राजा ने तरतीब दी है, सिनेमाटोग्राफी आरती वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गिरोधन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए रिलीज किया गया था, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार और निमकंदन योमन के बैकग्राउंड स्कोर सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे, एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूरी बतौर सोकन, एम शशि कुमार बतौर आदि, अनिल मकंद बतौर करुणा, रोवती शर्मा, शिवादा रोशिनी, हरिप्रियान, सीमा थिरकानी, मायम गोपी, आर वी ए, अदय कुमार वादी, अवकराशी दशायांत, ये प्रकाश राजन, बरीगिदा सागा प्रोडक्शन। एडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सूरी, जिन्होंने फिल्म के पहले अपना अनुमान मरकजी किरदार अदा किया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है जहां वह मरकजी अदा किरदार अदा करेंगे, जहां इसकी हदायतकारी और एस दोराई सैंथल कुमार करेंगे। वत्थी मारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सोरी की जानब से बदोथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म शुरू होना था 11 सितंबर को। प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता ऐलान वेटरी मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कम्बा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का इनका किया गया। कास्ट एम शशि कुमार ने मकंदर, रवती शर्मा, शिवादा, रोशिनी बरियान और दीगर मामन किरदारों में शामिल है, जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यौवन शंकर राजा, एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई, जनवरी 2024 के अवार्ड में लपेट दी गई। सरकारी टाइटल गुरुदन का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौवन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सोरी लैड रोल में और सैंथल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलिए 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्बिडो बिचा सिन्हान एंथोनी दासन। रिलीज एडिट ग्रोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालियत इनकी जवाब ग्रोदन को नाकदीन के मुस्बत जायजे मिले, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार में निकंदन
यौवन शंकर बसमंदर का स्कोर और सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल का दर्जा बंद किया और नोट किया कि ग्रोडन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और टीटी प्ले के लिखते हुए अनुव सुंदर ने शौरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया ये नोट करते हुए कि ग्रोडन एक ठोस फिल्म है जो थलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आगे दुराई। संजय कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवासर ने तबसरा किया सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट 1 में किया गया। इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपनी बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटस क्रूजन का मतलब बरहमनी पतंग और रुकाश दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मानने के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले क्रूजन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरसार कायशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्रूजन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस रही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरसार कायशुदा 31 मई 2024 को बजात किया गया। ग्रोदन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरसार कायशुदा 31 मई 2024 को बजात किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के 1 तारीख एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जान से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और खूबी खूनी असरात होते हैं। सूरी इंदुराई सैंथल कुमार की अग्री बैटरी मारने की तैयारी करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लाम नायब भी हदायतकार दुराई सैंथल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूरी। टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को सरसार कायशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी शशि कुमार और निमा कंदन का ग्रोदन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरसार कायशुदा 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सॉरी की दोराई सेंदल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल ग्रोडन टाइटल की झलक। टाइम्स ऑफ इंडिया 19 जनवरी 2024 को सरसार कायशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 16 फरवरी 2024 को सरसार कायशुदा 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरसार कायशुदा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। ग्रोडन सोशल मीडिया का ज्यादा सॉरी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामीन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरसार कायशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सुब्रमण्यम अभिनव 30 मई 2024 ग्रोदन मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनहूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरसार कायशुदा 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्रोदन मूवी रिव्यू एक लाजवाब सॉरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। और टीपी प्ले 31 मई 2024 को सरसार कायशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्रोदन मूवी का जायजा एक लाजवाब सॉरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखा दही पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को सरसार कायशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। ग्रोदन मूवी रिव्यू भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश ड्रामा जो कहानी जो वफादारी पर हक्का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को सरसार कायशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। ग्रोदन एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रास रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ रख
स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सोरी, एम शशि कुमार और निमकंद मरकज किरदारों में हैं। रोशिनी, हरि प्रज्ञान, रीति शर्मा, शिवा दास, समोतिरकानी, राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। अग्रोदन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई, सैंथल कुमार का स्क्रीन प्ले वजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी, एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने एडिट किया, प्रदीप ए राघव म्यूजिक, अजयवन शंकर राजा, पैदावार कंपनियां ग्रास टूट, फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज, तारीख रिहाई 31 मई 2024, वक्त चल रहा है 135 मिनट, मुल्क हिंदुस्तानी जबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी यमन शंकर राजा ने तरतीब दी है, सिनेमाटोग्राफी आर एस वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गुरुदन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए रिलीज किया गया था, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खास तौर पर सूरी शशि कुमार और निमकंद यौवन के बैकग्राउंड स्कोर, सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे, एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूरी बतौर सोकन, एम शशि कुमार बतौर आदि, उन्हें मकंद बतौर करुणा, रोवती शर्मा शिवादा रोशिनी, हरि प्रियान, सीमा थिरकानी, मायम गोपी, आर वी ए अदय कुमार वादी, अवकराशी दशायांत, ये प्रकाश राजन, बरीगीदा सागा प्रोडक्शन। एडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सूरी, जिन्होंने फिल्म के पहले अपना अनुमान मरकजी किरदार अदा किया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है, जहां वह मरकजी अदा किरदार अदा करेंगे, जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराई सैंथल कुमार करेंगे। वत्थी मारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे, मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सोरी की जान से बदोथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म शुरू होना था 11 सितंबर को। प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता ऐलान वेट्री मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कम्बा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक मुहूर्त पूजा का इनका किया गया। कास्ट प्रेम शशि कुमार ने मकंदर, रेवती शर्मा, शिवादा, रोशिनी बरियान और दिगर मामन किरदारों में शामिल है, जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यौवन शंकर राजा, एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और जनवरी 2024 के अवार्ड में लपेट दी गई। सरकारी टाइटल गुरुदन का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौवन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सोरी लैड रोल में और सैंथल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलीजे 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्बिडो विचा सिन्हान एंथोनी दासन। रिलीज एडिट ग्रोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालिया दिन के दी जवाब ग्रोदन को नाकदीन के मुस्बत जायजे मिले, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार में निकंदन यौवन शंकर पस मंजर का स्कोर और सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल की दर्जाबंदी की और नोट किया कि ग्रोडन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और टीटी प्ले के लिखते हुए अनुष सुंदर ने सोरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया, ये नोट करते हुए कि ग्रोदन एक ठोस फिल्म है जो बदोथलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आगे। दोराई सैंथल कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी
की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवास ने तबसरा किया सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट वन में किया गया, जिस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज भी नहीं बोलता। तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपनी बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटिस क्लोजिंग का मतलब बरहम नहीं, पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मानने के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले क्लोजन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्लोजन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस रही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बस किया गया। ग्रोदन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजयाफ्त किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तामिल जबान के एक तारीख के एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है, जिसके वहशियाना और हॉबी खूनी असरात होते हैं। सूरी इंदुराई सेंथिल कुमार की अगली बैटरी मारने की तैयारी करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को सरकार 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लाम ने भी हदायतकार दुराई सेंथिल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूरी टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी शशि कुमार और निमकंदन का गिरोधन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरकारीशुदा 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सॉरी की दोहराई सेंथिल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल ग्रोडन टाइटल की झलक टाइम्स ऑफ इंडिया 19 जनवरी 2024 को सरकारी शुद्ध 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 16 फरवरी 2024 को सरकारी शुद्ध 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकारी शुदा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। गुरुधर सोशल मीडिया का ज्यादा सूरी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामिन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम बब्बी ने 30 मई 2024 गुरुधर मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी रिव्यू एक लाजवाब सूरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। OTP प्ले 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी का जायजा एक लाजवाब सूरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधड़ी पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन मूवी रेवी भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश जाना जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रास रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सॉरी एम शशि कुमार और निमकंदन मरकज किरदारों में हैं। रोशिनी हरि प्रज्ञान रवीति शर्मा शिवा दास समो तिरकानी राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करोना के काबिले भरोसा हैं, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। ग्रोधन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई सेंथिल कुमार का स्क्रीन प्ले वजरिया
आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी, एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी, आर एस वल्सन ने एडिट किया, प्रदीप है राघव म्यूजिक, अजयमन शंकर राजा, पैदावार कंपनियां ग्रास टूर फिल्म कंपनी, लार्क स्टूडियोज, तारीख रिहाई 31 मई 2024, वक्त चल रहा है 135 मिनट, मुल्क हिंदुस्तानी, जबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था, और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटेगी। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी यमन शंकर राजा ने तरतीब दी है, सिनेमाटोग्राफी आरती वल्सन ने की है, और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गुरुदन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुसब जायजों के लिए रिलीज किया गया था, जिन्होंने मरकजी काश की कारकर्दगी खास तौर पर सूर्य शशि कुमार और निमकंद यौवन के बैकग्राउंड स्कोर सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे, एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूरी बतौर सोकन, एम शशि कुमार बतौर आदि, निमकंद बतौर करुणा, रोवती शर्मा शिवादा, रोशिनी हरिप्रियान, सीमा थिरकानी, मायम गोपी, आर वी ए अदय कुमार वादी, अवकराशी दशायांत, ये प्रकाश राज, इंदन बरीगिदा, सागा प्रोडक्शन। एडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सूरी, जिन्होंने फिल्म के पहले अपना अनुमान मरकजी किरदार अदा किया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है, जहां वह मरकजी किरदार अदा करेंगे, जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराई सेंथिल कुमार करेंगे। वत्थी मारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे, मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सूरी की जान से बदोथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म में शुरू होना था 11 सितंबर को। प्रोजेक्ट का बाद अब ऐलान वेट्री मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कंबा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का इनका किया गया। कास्ट प्रेम शशि कुमार ने मकंदन, रवती शर्मा शिवादा, रोशिनी बरियान और दीगर मामन किरदारों में शामिल है, जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यमन शंकर राजा, एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और जनवरी 2024 के अवार्ड में लपेट दी गई। सरकारी टाइटल गुरुदन का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यमन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सूरी लैड रोल में और सैंथिल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलिए 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्बिडो बिचा सिन्हान एंथोनी दासन। रिलीज एडिट गुरुदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालियत गदी जवाब गुरुदन को नाकदीन के मुसब जायजे मिले, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूर्य शशि कुमार में निकंदन यौवन शंकर पस मंजर का स्कोर और सैंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल का दर्जाबंद की और नोट किया कि गुरुदन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और ओटीटी प्ले के लिखते हुए अनुव शेषंदर ने सूरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया ये नोट करते हुए कि गुरुदन एक ठोस फिल्म है जो बदोथलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आ गए। दुराई सेंद्र कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवासन ने तबसरा किया। सूरी जैसे कि बदोथलाई पार्ट वन में किया गया था, इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज भी नहीं बोलता, तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपनी बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटिस गुरुदन का मतलब ब्रह्म नहीं पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मान के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले गुरुदन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया
31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्लोजर मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस रही मजमून मूवी क्रो 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को बाजार किया गया। ग्रोदन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को बाजार किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के एक तारीख के एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और हुबी खूनी असरात होते हैं। सूर्य इंदुराई सेंथिल कुमार की अग्नि बैटरी मारने की तैयारी करते टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लामिक नायबी हदायतकार दुराई सेंथिल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूर्य टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी शशि कुमार रनी मकंदन का गिरोधन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरकारीशुदा 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सॉरी की दोहराई सेंथिल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल ग्रोडन टाइटल की झलक टाइम 19 जनवरी 2024 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 16 फरवरी 2024 को सरकारीशुदा 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकारीशुदा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। गुरुधन सोशल मीडिया का ज्यादा सूर्य ने इस दिलकश ड्रामे में से सामीन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम अभिनम 30 मई 2024 गुरुधन मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी रिव्यू एक लाजवाब सूरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। ओ टी पी प्ले 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी का जायजा एक लाजवाब सूरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधड़ी पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। ग्रोदन मूवी रिव्यू भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश ड्रामा जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गुरुधन एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रास रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सॉरी एम शशि कुमार और निमकंदन मरकजी किरदारों में हैं। रोशिनी हरि प्रज्ञान रीति शर्मा शिवादा समो तिरकानी राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। ग्रोदन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई सेंथिल कुमार का स्क्रीन प्ले वजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप है राघव म्यूजिक अजयवन शंकर राजा पैदावार कंपनियां ग्रास टूर फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज तारीख रिहाई 31 मई 2024 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान तामिल। फिल्म का बाजाबता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूर्य के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी
योमन शंकर राजा ने तरतीब दी है, सिनेमाटोग्राफी आर अथे वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गुरुदन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए रिलीज किया गया था, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूर्य सूर्य कुमार और निमकंदन योमन के बैकग्राउंड स्कोर सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे, एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूर्य बतौर सोकन, एम शशि कुमार बतौर आदि, निमकंदन बतौर करोना, रोवती शर्मा शिवा दा, रविशिनी हरिप्रियान, सीमा थिरकानी मायम गोपी, आर वी ए अदय कुमार वादी, अवकराशी दशायांत, ये प्रकाश राजन, बरीगिदा सागा प्रोडक्शन। एडी मार्च 2023 में बटरफ्लाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सोडी, जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मान मरकजी किरदार अदा किया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है, जहां वह मरकजी किरदार अदा करेंगे, जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराय सेंथिल कुमार करेंगे। वथी मारन जो बटरफ्लाई के डायरेक्टर थे, मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सोरी की जान से बटरफ्लाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म में शुरू होना था 11 सितंबर को। प्रोजेक्ट का बाद हफ्ता ऐलान बैटरी मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कम्बा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का निकात किया गया। कास्ट प्रेम शशि कुमार ने मकंदन, रवती शर्मा, शिवादा, रोशिनी बरियान और दीगर मामन किरदारों में शामिल है, जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यौवन शंकर राजा, एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आरत ए प्रिंस में फोटोग्राफ सितंबर 2023 में शुरू हुई। जनवरी 2024 के अवार्ड में भेट के सरकारी टाइटल गुरुदन का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौवन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सोरी लैड रोल में और सैंथिल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलीजे 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्पिटो बिचा सिन्हान अंथोनी दासन। रिलीज एडिट गुरुदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालिया तनकीदी जवाब गुरुदन को नाकदीन के मुसबत जायजे मिले, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूर्य कुमार निकंदन यौवन शंकर पस मंजर का स्कोर और सैंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल का दर्जा बंद की और नोट किया कि गुरुदन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और टीटी प्ले के लिखते हुए अनुष्य सुंदर ने सोरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया, ये नोट करते हुए कि गुरुदन एक ठोस फिल्म है जो बटरफ्लाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आ गए। दुराई सेंद्र कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवास ने तबसरा किया, सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट वन में किया गया था, इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज भी नहीं बोलता, तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपने बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटिस गुरुदन का मतलब बरहम नहीं, पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मान के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले गुरुदन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गुरुदन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस रही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बस किया गया। गुरुदन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजयाफ्त किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के 1 तारीख एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो
दो ताहिया दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और हॉबी खूनी असरात होते हैं। सूरी इंदुराई सेंथिल कुमार की अग्री बैटरी मारन की तहरीक करता टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को सरकारशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लाम ने भी हदायतकार दुरानी दुराई सेंथिल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूरी टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी शशि कुमार और निमा कंदन का गिरोधन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को शशि और काय 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सॉरी की दोहराई सेंथिल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल ग्रोडन टाइटल की जगह टाइम जम गया 19 जनवरी 2024 को शशि और काय 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजाब वरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 16 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकारीशुदा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। गुरुधन सोशल मीडिया का ज्यादा सॉरी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामीन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम अभिनम 30 मई 2024 गुरुधर मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मानूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी रिव्यू एक लाजवाब सॉरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। ओ टी पी प्ले 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी का जायजा एक लाजवाब सॉरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधड़ी पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन मूवी रिव्यू भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश जाना जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रास रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाक्रक स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सॉरी एम शशि कुमार और निमकंदन मरकजी किरदारों में हैं। रोशिनी हरि प्रज्ञान रीति शर्मा शिवादा समो तिरकानी राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। गिरोधन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई सेंथिल कुमार का स्क्रीन प्ले वजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप ए राघव म्यूजिक अजयवन शंकर राजा पैदावार कंपनियां ग्रास टूर फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज तारीख रिहाई 31 मई 2024 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी यमन शंकर राजा ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी आरत वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गिरोधन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटर में नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए रिलीज किया गया था जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार और निमकंदन यौवन के बैकग्राउंड स्कोर सेंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है।
कास्ट आईडी सूर्य बतौर सोकर एम शशि कुमार बतौर आदि अनि मकंद बतौर करुणा रोवती शर्मा शिवा दा रविशिनी हरिप्रियान सीमा थिरकानी मायम गोपी आर वी ए अदय कुमार वादी अवकराशी दशायांत ये प्रकाश राजन बरीगिदा सागा प्रोडक्शन आईडी मार्च 2023 में मदद लाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सूरी जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मन मरकजी किरदार अदा किया एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतलाह है जहां वह मरकजी किरदार अदा करेंगे जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराय सेंथिल कुमार करेंगे वत्थी तिमारन जो मदद लाई के डायरेक्टर थे मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे सूरी की जान से वदथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म में शुरू होना था 11 सितंबर को प्रोजेक्ट का बाद हफ्ता ऐलान वेट्री मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कंबा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का निकात किया गया। कास्ट में शशि कुमार ने मकंदन रवती शर्मा शिवादा रोशिनी बरियान और दीगर मामन किरदारों में शामिल है जबकि अमले में म्यूजिक कंपोजर यौन शंकर राजा एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई जनवरी 2024 के अवार्ड में भेज दी गई सरकारी टाइटल प्रोग्राम का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सूरी लैड रोल में और सैंथिल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलिए 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्पिटो बिचा सिन्हान अंथोनी दासन रिलीज एडिट ग्रोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालिया दिन गति जवाब ग्रोदन को नागरिक के मुस्बत जायजे मिले जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर शशि कुमार मणिकंदन यौवन शंकर बस मंदिर का स्कोर और सैंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल का दर्जा बंद की और नोट किया कि ग्रोदन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और चिट्ठी प्ले के लिखते हुए अनुशे सुंदर ने सूरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया ये नोट करते हुए कि ग्रोदन एक ठोस फिल्म है जो थलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आगे दोराई सेंद्र कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवासन ने तबसरा किया। सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट वन में किया गया था इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज भी नहीं बोलता तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपने बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटस क्रोजन का मतलब बरहमनी पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मानने के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले क्रोजन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्रोजन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस लही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजात किया गया। ग्रोदन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजात किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के एक तारीख एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और खूबी खूनी असरात होते हैं। सूरी इंदुराय सेंथिल कुमार की अगली बैटरी मारन की तारीख करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लाम नायब हदायतकार दुरानी दुराय सेंथिल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूरी टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सूरी शशि कुमार अनि मकंदन का ग्रोदन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को 10 मई 2024 को
हासिल किया गया। सॉरी की दोराई सेंथिल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल गोल्डन टाइटल की झलक टाइम जम गया। 19 जनवरी 2024 19 जनवरी 2024 को सजा काई शुदर 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजावरना के लिए आउट हो गया। फिल्म एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 16 फरवरी 2024 को सजा काई शुदर 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 10 मई 2024 को सरकारीशुदा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। गुरुदान सोशल मीडिया का ज्यादा सूरी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामीन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम अभिनम 30 मई 2024 गुरुदान मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मानूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी रिव्यू एक लाजवाब दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। ओटीपी प्ले 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी का जायजा एक लाजवाब सॉरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधही पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गुरुदन मूवी रिव्यू भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश ड्रामा जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गुरुदन एक मुश्तरका तौर पर वेटरी मारन की ग्रास रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सॉरी एम शशि कुमार और निमकंदन मरकज किरदारों में है। रोशिनी हरि प्रज्ञान रीति शर्मा शिवादा समो तिरकानी राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। ग्रोदन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई सेंथिल कुमार का स्क्रीन प्ले वजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदन सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप ए राघव म्यूजिक अजयवन शंकर राजा पैदावार कंपनियां ग्रास टूट फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज तारीख रिहाई 31 मई 2024 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान तामिल। फिल्म का बाजाबता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी योमन शंकर राजा ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी आरत वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गुरुदन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए रिलीज किया गया था जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार और निमकंदन यौवन के बैकग्राउंड स्कोर सेंथिल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूरी बतौर सोकन एम शशि कुमार बतौर आदि अनिम मकंद बतौर करुणा रोवती शर्मा शिवादा रोशिनी हरिप्रियान सिमो थिरकानी मायम गोपी आर वी ए अदय कुमार वादियव करासी दशायांत ये प्रकाश राजन बरीगिदा सागा प्रोडक्शन आईडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सॉरी जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मान मरकजी किरदार अदा किया एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है जहां वह मरकजी अदा किरदार अदा करेंगे जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराई सेंथिल कुमार करेंगे। वत्थी मारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सॉरी की जान से बदोथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म
शुरू होना था 11 सितंबर को प्रोजेक्ट का बाजाब्ता ऐलान वेट्री मारन लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कंबा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का इनका किया गया। कास्ट में शशि कुमार ने मकंदर रवती शर्मा शिवादा रोशिनी बरियान और दीगर मामून किरदारों में शामिल है। जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यौन शंकर राजा एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आरज एवरेज में फोटोग्राफ सितंबर 2023 में शुरू हुई। जनवरी 2024 के अवार्ड में भेज दिए सरकारी टाइटल गुरुडंग का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सोरी लैड रोल में और सैंथल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलिए 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्बिडो बिचा सिन्हान एंथोनी दासन रिलीज एडिट ग्रोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालियत नकदी जवाब ग्रोदन को नागरिक के मुस्बत जायजे मिले जिन्होंने मरकजी कार्ड की कारकर्दगी खासतौर पर शोरी सुजी कुमार मणिकंदन यौवन शंकर बस मंदिर का स्कोर और चंद्र कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल का दर्जाबंदी की और नोट किया कि ग्रोदन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और टीटी प्ले के लिखते हुए नवशे सुंदर ने सोरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया ये नोट करते हुए कि ग्रोदन एक ठोस फिल्म है जो थलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सोरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कुताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आगे दुराई। चंद्र कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवासन ने तबसरा किया। सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट 1 में किया गया था। इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपनी बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटस क्रोजन का मतलब बरहम नहीं पतंग और रुकाश दोनों हो सकते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मानने के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले क्रोजन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्रोजन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस लही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजात किया गया। ग्रोदन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजात किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के 1 तारीख एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जान से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और हुबी खूनी असरात होते हैं। सोरी इंदुराई सैंथल कुमार की अग्री बैटरी मारन की तारीख करता। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को सरकारी शुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लामिक आई भी हदायतकार दुराई सैंथल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सोरी। टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को सरकारी शुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सोरी शशि कुमार और निमकंदन का ग्रोदन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरकारी शुदा 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सोरी की दोराई सेंधल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल ग्रोडन टाइटल की झलक। टाइम्स ऑफ इंडिया 19 जनवरी 2024 को सरकारी शुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सोरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगल पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 16 फरवरी 2024 को सरकारी शुदा 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सोरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकारी शुदा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। ग्रोदन सोशल मीडिया का ज्यादा सोरी ने इस दिलकश ड्रामे में
से सामिन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024, 31 मई 2024 को सरकार 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सुब्रमण्यम बब्बी ने 30 मई 2024 को गुजर मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनहूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकार 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी रिव्यू एक लाजवाब दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। ओ टी पी प्ले 31 मई 2024 को सरकार 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्लोरियन मूवी का जायजा एक लाजवाब सॉरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधड़ी पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को असल से अरकाई शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन मूवी देवी भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश जाना जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को असल से अरकाई शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन एक मुश्तरका तौर पर वेटरी मारन की ग्रॉस रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सॉरी एम शशि कुमार और निमकंदर मरकज किरदारों में हैं। रोशिनी हरी प्रज्ञान रीति शर्मा शिवा दास समोतिरकानी राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिल भरोसा हैं जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। गिरोधन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई सेंथल कुमार का स्क्रीन प्ले वजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप ए राघव म्यूजिक अजयमन शंकर राजा पैदावार कंपनियां ग्रास टूट फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज तारीख रिहाई 31 मई 2024 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी योमन शंकर राजा ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी आरत वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गिरोधन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए रिलीज किया गया था जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खास तौर पर सूर्य शशि कुमार और निमकंद योमन के बैकग्राउंड स्कोर सेंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसा मंद था जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूरी बतौर सोकन एम शशि कुमार बतौर आदि अनी मकंद बतौर करुणा रोवती शर्मा शिवादा रोशिनी हरिप्रियान सीमा थिरकानी मायम गोपी आर वी ए अदय कुमार वादी अवकराशी दशायांत ये प्रकाश राजन बरीगिदा सागा प्रोडक्शन एडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सोडी जिन्होंने फिल्म के पहले अपना अनुमान मरकजी किरदार अदा किया एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है जहां वह मरकजी अदा किरदार अदा करेंगे जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराई चंदन कुमार करेंगे। वथी मारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सोरी की जान से बदोथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म शुरू होना था 11 सितंबर को प्रोजेक्ट का बाद अब ऐलान वेटरी मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कम्बा कोना में कास्ट और अमले के मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का इनका किया गया। कास्ट एम शशि कुमार ने मकंदर रवती शर्मा शिवादा रोशिनी बरियान और दिगर मामन किरदारों में शामिल है जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यौन शंकर राजा एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए प्रिंसिपल फोटोग्राफर सितंबर 2023 में शुरू हुई और जनवरी 2024 के अवार्ड में लपेट दी गई। सरकारी टाइटल गिरोधन का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट
मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौवन शंकर राजा ने तरतीब दिया था सूरी लैड रोल में और सैंथल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलीजे 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्बिडो विचा सिन्हान एंथोनी दासन रिलीज एडिट ग्रोजन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज हुई थी। इस्तकबालिया दिन के दी जवाब ग्रोजन को नागरिक के मुझ पर जायजे मिले जिन्होंने मरकजी कार्ज की कारकर्दगी खासतौर पर श्री सूर्य कुमार मणिकंदन यौवन शंकर बस मंजर का स्कोर और सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल का दर्जाबंदी की और नोट किया कि ग्रोजन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और टीटी प्ले के लिखते हुए अनुव शेषंदर ने सोरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया ये नोट करते हुए कि ग्रोजन एक ठोस फिल्म है जो थलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आ गए। दुराई सैंथल कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवास ने तबसरा किया सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट वन में किया गया जिस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज भी नहीं बोलता तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपनी बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटिस ग्रोजन का मतलब बरहम नहीं पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मान के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले ग्रोजन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। ग्रोजन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस लही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को बस किया गया। ग्रोजन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को बजयाफ्त किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के 1 तारीख के एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और खूबी खूनी असरात होते हैं। सूरी इंदुराई सैंथल कुमार की अगली बैटरी मारन की तैयारी करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लामिक नायबी हदायतकार दुराई सैंथल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूरी टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सोरी शशि कुमार अनिल मकंदन का ग्रोजन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरकारीशुदा 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सोरी की दोहराई सैंथल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल ग्रोजन टाइटल की झलक। टाइम जम गया 19 जनवरी 2024 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सोरी के लिए ग्रोजन का पहला सिंगल पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 16 फरवरी 2024 को सरकारीशुदा 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सोरी का ग्रोजन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकारीशुदा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। ग्रोजन सोशल मीडिया का ज्यादा सोरी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामिन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम अभिनम 30 मई 2024 ग्रोजन मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्रोजन मूवी रिव्यू एक लाजवाब सूरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। और टीपी प्ले 31 मई 2024 को सरकारीशुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्रोजन मूवी का जायजा
एक लाजवाब स्टोरी इस कहानी की दोस्ती, वफादारी और धोखाधड़ी पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को संचार का आयुष 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गिरोधन मूवी देवी भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश रानी जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को संचार का आयुष 31 मई 2024 को हासिल किया गया। गरुदन एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रॉस रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सोरी एम शशि कुमार और निमकंदन मरकज किरदारों में हैं। रोशिनी हरि प्रज्ञान, रीति शर्मा, शिवा दास, समोतिरकानी, राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। ग्रोदन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई, सैंथल कुमार का स्क्रीन प्ले वजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप है राघव म्यूजिक अजयमन शंकर राजा पैदावार कंपनियां ग्रास टूट फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज तारीख रिहाई 31 मई 2024 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जुबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूर्य के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी योमन शंकर राजा ने तरतीब दी है, सिनेमाटोग्राफी आर एथे वल्सन ने की है और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गुरुदन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुसब जायजों के लिए रिलीज किया गया था, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खास तौर पर सूर्य शशि कुमार और निमकंदन योमन के बैकग्राउंड स्कोर सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे, एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूर्य बतौर सोकन, एम शशि कुमार बतौर आदि, निमकंदन बतौर करुणा, रोवती शर्मा, शिवा दा, रोशिनी हरिप्रियान, सीमा थिरकानी, मायम गोपी, आर वी ए, अदय कुमार वादी, अवकराशी दशायांत, ये प्रकाश राजन बरीगिदा सागा प्रोडक्शन। आईडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सोरी जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मान मरकजी किरदार अदा किया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है, जहां वह मरकजी किरदार अदा करेंगे, जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराई सैंथल कुमार करेंगे। वथी मारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सोरी की जान से बदोथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म शुरू होना था 11 सितंबर को। प्रोजेक्ट का बाद अब ऐलान बैटरी मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कंबा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का इनका किया गया। कास्ट प्रेम शशि कुमार ने मुकंदन, रवती शर्मा, शिवादा, रोशिनी बरियान और दिगर मामन किरदारों में शामिल है, जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यौवन शंकर राजा, एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई, जनवरी 2024 के अवार्ड में लपेट दी गई। सरकारी टाइटल गुरुदन का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौवन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सोरी लैड रोल में और सैंथल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलीजे 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्बिडो बिचा सिन्हान एंथोनी दासन। रिलीज एडिट ग्रोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालिया तनकीदी जवाब ग्रोदन को नाकदीन के मुस्बत जायजे मिले, जिन्होंने मरकजी कार्ड की कारकर्दगी खासतौर पर सूर्य शशि कुमार निमकंदन
यौवन शंकर बस मंजर का स्कोर और सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3 शहर 5 साल की दर्जाबंदी की और नोट किया कि ग्रोडन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और चिट्ठी प्ले के लिखते हुए अनुव सुंदर ने शौर्य की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया। ये नोट करते हुए कि ग्रोधन एक ठोस फिल्म है जो थलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कुताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आगे एक दुराई संजय कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवास ने तबसरा किया सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट 1 में किया गया जिस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज भी नहीं बोलता तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपनी बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटिस क्रूजन का मतलब बरहमनी पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मान के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले क्रूजन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्रूजन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस रही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजात किया गया। ग्रोधन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बजात किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के 1 तारीख एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानिब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और खूबी खूनी असरात होते हैं। सूरी इंदुराई सैंथल कुमार की अग्नि बैटरी मारने की तैयारी करते। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को हासिल किया गया। इस्लाम नए भी हदायतकार दुराई सैंथल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूरी। टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी शशि कुमार अनिमा कंदन का ग्रोधन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरकारी 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सॉरी की दोहराई सैंथल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल ग्रोडन टाइटल की जगह टाइम जब 19 जनवरी 2024 को सरकारी 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजाब वरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 को सरकारी 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। ग्रोधन सोशल मीडिया का ज्यादा सूरी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामीन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम अभिनव 30 मई 2024 ग्रोधन मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्रोधन मूवी रिव्यू एक लाजवाब सूरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। और OTP प्ले 31 मई 2024 को सरकारी 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्रोधन मूवी का जायजा एक लाजवाब सूरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधड़ी पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को सरकारी 31 मई 2024 को हासिल किया गया। ग्रोधन मूवी रिव्यू भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश ड्रामा जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए 31 मई 2024 को सरकारी 31 मई 2024 को हासिल किया गया। ग्रोधन एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रास रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ रख
स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सोरी एम शशि कुमार और निमकंदा मरकजी किरदारों में हैं। रोशिनी हरि प्रज्ञान, रवीति शर्मा, शिवा दास, समो तिरकानी, राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। अग्रोदन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई, सैंथल कुमार का स्क्रीन प्ले बजरिया आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी आर एस ए वल्सन ने एडिट किया। प्रदीप ए राघव म्यूजिक अजयवन शंकर राजा। पैदावार कंपनियां ग्रास टूट फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज। तारीख रिहाई 31 मई 2024। वक्त चल रहा है 135 मिनट। मुल्क हिंदुस्तानी जुबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी यमन शंकर राजा ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी आरती वल्सन ने की है और प्रदीप ए राघव ने एडिट की है। गुरुदन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटरों में नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए रिलीज किया गया था, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार और निमकंदन यौवन के बैकग्राउंड स्कोर सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे, एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूरी बतौरे सोकन, एम शशि कुमार बतौरे आदि, अनि मुकंदन बतौरे करुणा, रवती शर्मा, शिवा दास, रोशिनी हरि प्रज्ञान, सिमो तिरकानी, मायम गोपी, आर वी ए अदय कुमार वादी, करासी दशायांत, ये प्रकाश राजन, बरीगिदा सागा प्रोडक्शन। आईडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सूरी, जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मरकजी किरदार अदा किया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है, जहां वह मरकजी अदा किरदार अदा करेंगे, जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराय सैंथल कुमार करेंगे। वत्थी मारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सोरी की जान से बदोथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म में शुरू होना था 11 सितंबर को। प्रोजेक्ट का बाद हफ्ता ऐलान बैटरी मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कंबा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक महारत पूजा का निकात किया गया। कास्ट में शशि कुमार, निमकंदन, रवती शर्मा, शिवादा, रोशिनी बरियान और दिगर मामन किरदारों में शामिल है, जबकि अमले में म्यूजिक कम्पोजर यौवन शंकर राजा, एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई, जनवरी 2024 के अवार्ड में भेज दी गई। सरकारी टाइटल गुरुदन का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यौवन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सोरी लैड रोल में और सैंथल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलीजे 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्पिटो बिचा सिन्हान अंथोनी दासन। रिलीज एडिट ग्रोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालिया तनकीदी जवाब ग्रोदन को नाकदीन के मुसबत जायजे मिले, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर शशि कुमार और निमकंदन यौवन शंकर पस मंजर का स्कोर और सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 साल की दर्जाबंदी की और नोट किया कि ग्रोदन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और चिट्ठी प्ले के लिखते हुए अनुष्य सुंदर ने सोरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया, ये नोट करते हुए कि ग्रोदन एक ठोस फिल्म है जो बदोथलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आगे दोराई सैंथल कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी
की है। सिनेमाटोग्राफी सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवासर ने तबसरा किया सूरी जैसे कि बटरफ्लाई पार्ट वन में किया गया। इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज भी नहीं बोलता, तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपने बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटस क्रूजन का मतलब बरहमनी पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मान के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले क्रूजन के एक्शन सिक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्रूजन मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस रही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बस किया गया। ग्रोथन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को बस किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के एक तारीख एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और खूबी खूनी असरात होते हैं। सूरी इंदुराई सेंथिल कुमार की अग्नि बैटरी मारने की तैयारी करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लाम नए भी हदायतकार दुराई सेंथिल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूरी टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी शशि कुमार अनि मकंदन का ग्रोधन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सॉरी की दोहराई सेंथिल कुमार के साथ टाइम और फिल्म का टाइटल ग्रोडन टाइटल की झलक टाइम जम गया। 19 जनवरी 2024 को सरकारी शुद्ध 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 16 फरवरी 2024 को सरकारी शुद्ध 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। ग्रोडन सोशल मीडिया का ज्यादा सॉरी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामीन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम अभिनम 30 मई 2024 गुरुजन मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्रोजन मूवी रिव्यू एक लाजवाब सूरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। OTP प्ले 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। राजेंद्र गोपीनाथ 31 मई 2024 ग्रोजन मूवी का जायजा एक लाजवाब सूरी इस कहानी की दोस्ती वफादारी और धोखाधड़ी पर पेश करता है। हिंदू 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। ग्रोजन मूवी रिव्यू भारत महाभारत की कर्णन की एक दिलकश जाना जो कहानी जो वफादारी पर हक का इंतखाब करते हुए इंडियन एक्सप्रेस 31 मई 2024 को सरकारी शुद्ध 31 मई 2024 को हासिल किया गया। ग्रोजन एक मुश्तरका तौर पर बैटरी मारन की ग्रास रोड फिल्म कंपनी और के कुमार के लाभ स्टूडियोज ने तैयार किया है। फिल्म में सॉरी एम शशि कुमार और निमकंद मरकजी किरदारों में है। रोशिनी हरी प्रज्ञान रीति शर्मा शिवादा समो तिरकानी राजेंद्रन और मायम गोपी मामन किरदारों में नजर आते हैं। ये सोकिकन की पैरवी करता है जो बचपन के दो दोस्तों आदि और करुणा के काबिले भरोसा हैं जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। ग्रोधन थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत एस दोराई सेंथिल कुमार का स्क्रीन प्ले बजरिया
आर एस के कुमार स्टारिंग सूरी, एम शशि कुमार ने मुकदम सिनेमाटोग्राफी, आर एस ए वल्सन ने एडिट किया, प्रदीप ए राघव म्यूजिक, अजयवन शंकर राजा, पैदावार कंपनियां ग्रास टूर, फिल्म कंपनी लार्क स्टूडियोज, तारीख रिहाई 31 मई 2024, वक्त चल रहा है 135 मिनट, मुल्क हिंदुस्तानी, जुबान तामिल। फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर बगैर अनुमान के सितंबर 2023 में ऐलान किया गया था, और बदोथलाई पार्ट वन के बाद ये सूरी के बतौर मरकजी अदाकार दूसरी फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने शुरू हुई और जनवरी 2023 में लपेटी गई। अनुमान का ऐलान इसी महीने के आखिर में किया गया। फिल्म की मौसीकी यमन शंकर राजा ने तरतीब दी है, सिनेमाटोग्राफी आरत वल्सन ने की है, और प्रदीप राघव ने एडिट की है। गुरुदन को 31 मई 2024 को दुनिया भर में थिएटर में नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए रिलीज़ किया गया था, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार और निमकंदन यौवन के बैकग्राउंड स्कोर सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की थी। प्लॉट एडिट बचपन के दो दोस्त आदि और करोना भाइयों की तरह गहरा रिश्ता रखते थे, एक दूसरे का दिफा करते थे। सोकन इनका भरोसामंद था, जिनकी वफादारी मुतहरक होकर गद्दारी और बका में बदल जाती है। कास्ट एडिट सूरी बतौर सोकन, एम शशि कुमार बतौर आदि, अनिल मकंद बतौर करुणा, रोवती शर्मा शिवादा, रविशिनी हरिप्रियान, सीमा थिरकानी मायम गोपी, आर वी ए अदय कुमार वादियव, करासी दशायांत, ये प्रकाश राजन, बरीगिदा सागा प्रोडक्शन। आईडी मार्च 2023 में बदोथलाई पार्ट वन की कामयाबी के बाद सूरी, जिन्होंने फिल्म के पहले अपना मान मरकजी किरदार अदा किया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इतला है, जहां वह मरकजी ऐसा किरदार अदा करेंगे जहां इसकी हदायत कारी और एस दोराई सेंथल कुमार करेंगे। वत्थी मारन जो बदोथलाई के डायरेक्टर थे, मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन लिखते थे। सूरी की जानब से बदोथलाई पार्ट टू की फिल्म बंदी मुकम्मल करने के बाद फिल्म शुरू होना था 11 सितंबर को। प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता ऐलान वेट्री मारन और लार्क स्टूडियोज के प्रोड्यूसर कुमार ने किया था। इसी दिन कंबा कोना में कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक मुहूर्त पूजा का इनका किया गया। कास्ट एम शशि कुमार ने मकंदन, रवती शर्मा शिवादा, रोशिनी बरियान और दीगर मामून किरदारों में शामिल है, जबकि अमले में म्यूजिक कंपोजर यमन शंकर राजा, एडिटर प्रदीप ई राघव और सिनेमाटोग्राफर आर एस ए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई, जनवरी 2024 के अवार्ड में लपेट दी गई। सरकारी टाइटल गुरुदन का ऐलान 19 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन हाउस के 2 मिनट के प्रमोशन झलक के साथ किया गया था। म्यूजिक एडिट मौसीकी और पस मंजर का स्कोर यमन शंकर राजा ने तरतीब दिया था। सूरी लैड रोल में और सैंथल कुमार के साथ मिलकर पहला सिंगल पंजावरना कलिए 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मुकम्मल साउंड ट्रैक 21 मई 2024 को जारी किया गया। नंबर टाइटल्स ग्लूकार्स की लंबाई कॉम्पिटो बिचा सिन्हान अंथोनी दासन। रिलीज एडिट ग्रोदन 31 मई 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हुई थी। इस्तकबालियत इनकी जवाब ग्रोदन को नाकदीन के मुस्बत जायजे मिले, जिन्होंने मरकजी कास्ट की कारकर्दगी खासतौर पर सूरी शशि कुमार में निकंदन यमन शंकर पस मंजर का स्कोर और सैंथल कुमार के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिनव सुब्रमण्यम ने 5 में से 3.5 स्टार का दर्जा बंद की और नोट किया कि ग्रोडन इन लोगों से अपील करेंगे जो एक जज्बाती दही एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं। और जीटी प्ले के लिखते हुए अनुष्य सुंदर ने सूरी की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को 5 में से 3 दर्जा दिया, ये नोट करते हुए कि ग्रोदन एक ठोस फिल्म है जो बदोथलाई में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सूरी को फॉलो अप करने के बिल्कुल मौजू करती है। अपनी छोटी छोटी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ बहादुर आगे दुराई सेंद्र कुमार ने इस कच्चे और शदीद दही ड्रामे के साथ एक शानदार वापसी की है। सिनेमा एक्सप्रेस के लिखे हुए सुधीर नवासन ने तबसरा किया, सूरी जैसे कि बदोथलाई पार्ट वन में किया गया था, इस किरदार को इतनी मसूबियत से बढ़ता है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ वो लड़ता है वो एहतजाज का एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, तो ऐसा महसूस होता है कि बहादुर कोई भी आदमी अपनी बहादुर से अंदोज नहीं हो सकता। नोटिस गुर्जन का मतलब बरहम नहीं, पतंग और रुकाव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के लिए के मानने के लिए किया जाता है। वजह देखे बनाने वाले गुरुदन के एक्शन सीक्वेंस के BTS का इश्तराक करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया
31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। क्लोजर मूवी रिव्यू मूवी स्क्रीन राइटिंग के साथ एक मखसूस लही मजमून मोमिक्रो 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को बजात किया गया। ग्रोदन बरतानी बोर्ड ऑफ की दर्जाबंदी 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को बजाफ किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल जबान के एक तारीख एक्शन थ्रिलर में एक बदनुमान वजीर की जानब से मकामी मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के बाद तो दो ताहियात दोस्तों का रिश्ता टूट जाता है जिसके वहशियाना और खूबी खूनी असरात होते हैं। सूर्य इंदुराई सेंथिल कुमार की अग्नि बैटरी मारने की तैयारी करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2023 10 मई 2023 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। इस्लाम नायब हदायतकार दुरानी दुराई सेंथिल कुमार की अगली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए सूर्य टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर 2023 19 जनवरी 2024 को सरकारीशुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी शशि कुमार और निमा कंदन का गिरोधन शूट कदम सिनेमा एक्सप्रेस 3 जनवरी 2024 10 मई 2024 को सरकारी शुदा 10 मई 2024 को हासिल किया गया। सॉरी की दोराई सेंथिल कुमार के साथ टाइम्स और फिल्म का टाइटल ग्रोडन टाइटल की झलक टाइम्स ऑफ इंडिया 19 जनवरी 2024 को सरकारी शुदा 19 जनवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी के लिए ग्रोडन का पहला सिंगर पंजावरना के लिए आउट हो गया। सिनेमा एक्सप्रेस 10 फरवरी 2024 16 फरवरी 2024 को सरकारी शुदा 22 फरवरी 2024 को हासिल किया गया। सॉरी का ग्रोडन 31 मई को रिलीज होगा। टाइम्स नाउ 10 मई 2024 को सरकारी शुदा 10 मई 2024 को बाजियाफ्त किया गया। ग्रोडन सोशल मीडिया का ज्यादा सॉरी ने इस दिलकश ड्रामे में से सामीन को हैरान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024 को हासिल किया गया। सिपरा मीनम अभिनम 30 मई 2024 गुरुजन मूवी रिव्यू मजबूत परफॉर्मेंस इस मनूस कहानी को बुलंद करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 30 मई 2024 को हासिल किया गया। सुंदर अनुषा 31 मई 2024 ग्रोजन मूवी रिव्यू एक लाजवाब सॉरी दोस्ती के एक पेचीदा ड्रामे की रहनमाई करता है। ओ टी पी प्ले 31 मई 2024 को सरकारी शुदा 31 मई 2024